अगला क्वेश्चन देखते हैं ए एंड बी एंटर्ड इन टू पार्टनरशिप ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवनटीन विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है दोनों के बीच में दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ रुपीज फाइव लैक एंड थ्री लैख रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड सेवनटीन ए एडवांस्ड टू लैख रुपीज बाई वे ऑफ लोन टू द फर्म Without any agreement as to interest. The profit and loss account for the year ended 31st March 2018 showed the profit of rupees 4,30,000, like 30,000, but the partners could not agree upon the amount of interest on loan to be charged and the basis of division of profits. Past journal entries. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ ए ये क्वेश्चन की रीडिंग लगा ली अब पहले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे ए और बी ए पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस शुरू किया उन्होंने फर्स्ट अक्टूबर 2017 को चालू किया ठीक है इसका मतलब पुराना बिजनेस चला रहे पार्टनरशिप डीड दोनों के अंदर बनी हुई है पार्टनरशिप डीड है जो ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की फाइव लाख रुपीज और बी ने इंट्रोड्यूस करी थ्री लाख ठीक है जी फर्स्ट अक्टूबर 2017 को ए ने एडवांस दिया है पार्टनरशिप फॉर्म को एक लोन दिया है टू लाख रुपीज का ठीक है उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं किया इन्होंने इट मीन्स कि नए तो पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई एग्रीमेंट है नए पेमेंट करते टाइम जो लोन का पेमेंट हुआ उस टाइम भी कोई एग्रीमेंट हुआ उसके बाद वो बिजनेस करते रहे और पूरे साल में उसमें फोर लैख थर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट अर्न किया अब उनके आपस में कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन क्या है कि इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पहला कन्फ्यूजन तो ये है दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका कैसे ट्रीटमेंट होना है तो ये दो कंफ्यूजन है इस दो कंफ्यूजन के ऊपर डिस्कस करके उसके बाद हमें जर्नल एंट्री पास करनी है क्वेश्चन के अंदर और उसके अलावा ए का जो लोन अकाउंट है वो अपने को प्रिपेयर करना है अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ नहीं है साइलेंट है और लोन देते टाइम कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उस कंडीशन के अंदर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो एज पर पार्टनरशिप एक्ट चार्ज करेंगे पार्टनरशिप एक्ट क्या कहते हैं कि इन केस अगर मान लो कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई मेंशन नहीं किया हुआ है तो जो इंटरेस्ट होगा वो सिक्स परसेंट पर एन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनरशिप लोन के ऊपर कोई भी पार्टनर अगर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को तो सिक्स परसेंट के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे शुरू करते हैं इसको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल जो प्रॉफिट है इनका वो कैलकुलेट करते हैं जो भी कैलकुलेशन होती है जो सपोर्टिंग कैलकुलेशन होती है वो वर्किंग नोट के रूप में इसके यहां मेंशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना होगा टोटल प्रॉफिट कितना बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन कितने फोर लेख थर्टी थाउजेंड लेस इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन ये कितना होगा टोटल लोन कितना दिया हुआ है टू लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय सिक्स परसेंट मल्टी मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए रहा लोन कब दिया था अक्टूबर में थर्टी फर्स्ट अक्टूबर अक्टूबर के एंड में दिया तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कितने टाइम के लिए नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च टोटल फाइव मंथ्स के लिए रहा है तो फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड टोटल फोर लेख थर्टी थाउजेंड उसके अगेंस्ट में फाइव थाउजेंड का इंटरेस्ट पे कर दिया टोटल कितना प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कि कितना रहा फोर लेख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है जो पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इसकी एंट्री क्या होगी अब एंट्री कर लेते हैं इसकी जर्नल के अंदर एंट्री क्या होगी वो देखते हैं सॉल्यूशन ईयर एंड के ऊपर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितनी है टोटल प्रॉफिट है अपना फोर लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये डिस्ट्रीब्यूट होना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका पार्टनरशिप डीड है इसके ऊपर साइलेंट है कोई भी पार्टनरशिप डीड में इन्होंने डिस्क्राइब नहीं कर रखा है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है तो जब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कोई इस टाइप की डिटेल नहीं होती है एग्रीमेंट नहीं होता तो उस कंडीशन के अंदर प्रॉफिट और जो लॉस है, है, है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन है वो सिक्स परसेंट होता है प्रॉफिट और लॉस होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ए को कितना मिलेगा फोर ट्वेंटी फाइव का फिफ्टी परसेंट और बी को कितना मिलेगा फोर ट्वेंटी फाइव का फिफ्टी परसेंट तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से हो गए टू लेख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और सेम अमाउंट बी को मिल जाएगी ये इसकी एंट्री हो जाएगी इसमें नरेशन भी लिखा जाएगा बीइंग द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बीइंग द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली वर्किंग नोट यहां पर टू लैख ट्वेंटी फाइव फोर लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का ये यहां पर वर्किंग नोट दे रखा है अपन ने अब आता है पार्टनर्स लोन अकाउंट अपने को तैयार करने पार्टनर्स लोन अकाउंट इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है इसकी जो एंट्री करी है इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इसकी पोस्टिंग करके हम कैपिटल अकाउंट भी बना, बना सकते हैं क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में तो इसका कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं और पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बना लेते हैं जो ए ने जो लोन दे रखा है तो दो अकाउंट और बना लेते हैं एक पार्टनर्स लोन अकाउंट एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं ए का बैलेंस फाइव लाइक था और बी का बैलेंस जो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होगी पुराने सालों के अंदर उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस जो एंट्री करी उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन तो एज कैपिटल और बीज कैपिटल टू लैख फिफ्टीन ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड कब इकतीस तीन दो हजार अठारह बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड यह बैलेंस आगे जाकर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्लोजिंग एंट्री कर लेते हैं बैलेंस सी डी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ये कैपिटल अकाउंट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब एज लोन अकाउंट बना लेते हैं एन के लोन अकाउंट में क्या आएगी एक तो उसने जो लोन पे किया है वो आ जाएगा प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा फाग, 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 का तो एंट्री इसका जो लोन अकाउंट है वो कैसे बनाएंगे एज लोन अकाउंट एज लोन अकाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले जो लोन ले कर उसके एंट्री कर लेते हैं लोन कब ले कर फर्स्ट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड सेवेंटीन बाई बैंक अकाउंट लोन कितना लेकर रहे था बैंक के थ्रू टू लेख रुपीज उसके बाद उसको इंटरेस्ट पे किया हमने इंटरेस्ट एक्चुअल में पे नहीं हुआ था वो प्रोविजन किया था बाई इंटरेस्ट ऑन लोन कितना फाइव थाउजेंड रुपीज ये इसका बैलेंस आ गया इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे आगे ये क्लोजिंग एंट्री इसकी बैलेंस सी डी टू लैख फाइव थाउजेंड इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां आप ये क्वेश्चन खत्म होता है तो इस क्वेश्चन में अभी भी आपको अगर किसी प्रकार का डाउट आप बताइए कमेंट्स में डालिए मैं उसका सॉल्व करूंगा इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी आप कमेंट्स में डालिए या और कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट्स में डालिए मैं उसका सॉल्व करके अपलोड करूंगा वीडियो में तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल थैंक यू